हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो एज यू नो, टुडे इज द डे 8th, आज 8th डे है। हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी के कुछ क्लासेस से, फिर हमने ऑलरेडी 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जिस्ट में डिस्कस किया है, सिर्फ साइंस के इंपॉर्टेंट पोर्शंस को लेके और बाकी जीके के इंपॉर्टेंट पोर्शंस को लेके। सो टेल मी, आर यू गाइस रेडी फॉर टुडे सेशन? हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो यस, हैप्पी होली टू यू टू। अभी बिल्कुल होली स्टार्ट होने वाला है, सो लेट अस स्टार्ट। आर वी रेडी टू स्टार्ट? क्या हम शुरू करें? और जितने लोग बोल रहे थे CHSL के बारे में, सो आपको जैसा कि पता है, हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करते, साथ ही साथ उसके सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, राइट? सो उन्हीं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से आपको CHSL के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा, ओके? सो यस, वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस डायरेक्टली। रेडी गाइस? एंड डू नॉट वरी, ये सेशन रेलवे, CHSL, CGL सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस के सारे एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। मेन ये होता है कि आप क्वेश्चन को समझो और आप उसके एनालिसिस को समझो, रेदर देन डायरेक्टली आंसर तक पहुंचना, ठीक है गाइस? चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। जितने लोग हिंदी में लिख रहे थे, अगेन सरप्राइज, डे 2 हिंदी में भी क्वेश्चन आ गए हैं। लेट्स स्टार्ट। द वॉटर of which one of the following lakes is used for producing salt? निम्नलिखित जो आपके लेक्स है, उसमें से किसका पानी, कौन से झील का पानी यूज करते हैं नमक निकालने के लिए या फिर नमक बनाने के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही सॉल्ट वाटर लेक आपके दिमाग में आता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है। सो इंडिया में जो सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है, दैट इज चिल्का, ठीक है? ब्रैकिश वाटर से ये बनता है, और लगून भी आप इसे कह सकते हो। सो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा हो गया? चिल्का। नेक्स्ट, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें आप देखो एक और लेक है जिसका नाम क्या है? सांबर, ठीक है? हमें पता है कि सांबर एक लैंड लॉक्ड सॉल्ट वाटर लेक है। इसका मतलब ये इसके चारों तरफ क्या है? लैंड है कहीं ना कहीं, ठीक है? तो इस लैंड के वजह से इसके अंदर का जो सॉल्ट कंटेंट है, वो और ज़्यादा एग्जेजरेट हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब हमने हिस्ट्री पढ़ रहे थे जब हम लोग, तब हमने आपसे कहा था, सॉल्ट पे क्यों टैक्स लगा रहे हो? समुंदर का पानी है या फिर कहीं का भी पानी है, मैंने उस पानी को रोक लिया और सन को बोला कि सन, जिस तरीके से ग्लूकॉन डी के एडवर्टाइज में आप पाइप लगा के, ठीक है, उसी तरीके से आप रिवर से भी क्या करो, या फिर ये जो मैंने पानी रोक के रखा है वहाँ से भी इवेपोरेशन करो। लेकिन सन तो पानी इवेपोरेट कर रहा है, बच गया क्या? सॉल्ट बच गया। सिंपल प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉल्ट, ठीक है? सो टेल मी, आंसर क्या होगा? वेरी गुड, जितने लोग यहाँ पे सांबर लिख रहे हैं, जितने लोगों ने साथ ही साथ सांबर लेक, बहुत बढ़िया, तेजा राम यहाँ पे लिख रहे हैं सांबर लेक राजस्थान, वेरी गुड। सो हमारा आंसर क्या हो गया? सांबर। संदीप कुमार लिख रहे हैं चिल्का लेक उड़ीसा, वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। तो हमें यहाँ से क्या क्या पता लगा? लार्जेस्ट चिल्का कहाँ है? उड़ीसा। इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्ट निकालने के लिए सांबर। सांबर कहाँ है? राजस्थान। कैसा है? लैंड लॉक्ड। ओके, सो ये सभी आंसर्स हमें इस क्वेश्चन से मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स? जो ये फोर्स दिए गए हैं, इसमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, ठीक है? निम्नलिखित में से सबसे कम शक्तिशाली फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमें पता है हर जगह मौजूद है, राइट? अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। नाउ द थिंग इज, स्ट्रांग है कि वीक है? अब इतना ज़्यादा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है कि खड़े खड़े आपको महसूस हो रहा हो ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि अगर हम इस पेन को फेंक देंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रांग है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक हो सकता है आपका
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें से आप जो पढ़ते हो वो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. अब इसमें डिवाइडेड नहीं किया गया है, सो हम इसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कंसिडर करेंगे. और इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स भी कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर है. तो आपको एकदम सिंपल बताना है कि इन सभी में से सबसे वीक कौन सा है. ओके, आई कैन सी सम ऑफ यू आंसरिंग ऑप्शन नंबर ए और कुछ लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी. रोहित शर्मा ने लिख दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स. सो बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है ये. ग्रेविटेशनल फोर्स इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण जो होता है, धरती का गुरुत्वाकर्षण, दैट्स द करेक्ट आंसर. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डस्टर को ढूंढ लेते हैं हम. चलो मिल गया. The method of protecting iron from rusting by coating a thin layer of zinc is called. इसका मतलब लोहा है, ठीक है, आयरन है, उसमें जंग लग जाता है. कल हमने पढ़ा था, राइट, ऑक्सीडेशन के वजह से उसमें जंग लग जाता है. अब एक और ऑब्जर्वेशन करो कि आयरन को जो जंग लगता है, लोहे को जो जंग लगता है, वो कितना बार रेलवे ने पूछा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कल के क्लास में भी पूछा, आज के क्लास में भी पूछा. तो हम इसे सम अप करते हैं कि आयरन में जंग लगता है, यानी कि क्या होता है, व्हाट इज इट नोन एज, इट इज नोन एज रस्टिंग. ठीक है, पहला बात. दूसरी चीज, रस्टिंग होता है आयरन में, क्यों होता है, आंसर क्या होगा, कल किया था हमने, ऑक्सीडेशन होता है इसलिए. नंबर थ्री, आयरन में रस्टिंग होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, राइट, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारी बिल्डिंग्स वगैरह स्ट्रांग रहे. सो इसे प्रिवेंट करने के लिए व्हाट कैन यू डू, वी विल कोट द आयरन विथ, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इसको पेंट कर दो. खुला छोड़ने से अच्छा क्या है, पेंट कर दो. और उससे एक स्टेप आगे जाओगे तो जिंक, जिंक कोटिंग इसके ऊपर कर दो. ठीक है, तो उससे वो ज्यादा अच्छा रहेगा. सो व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज, रस्टिंग, ऑक्सीडेशन. सिमिलरली दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन. सो लेट्स सी, योर आंसर्स आर आल्सो ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, गैल्वेनाइजेशन. राहुल कुमार गोस्वामी, अब तक सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, सो नो डाउट, ओके, नो इश्यूज. चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, a metal which can be deformed permanently by heat and pressure is called a. एक metal, एक धातु, जिसे आप गर्मी से और दबाव से क्या कर सकते हो, पूरी तरीके से विकृत कर सकते हो, और you can change it totally, you can deform it totally, उसे हम क्या कहेंगे. ठीक है, सो एक बार ऑप्शंस को देखो और उसे आंसर करने का कोशिश करो. चलो कंसिडर करते हैं. पहला क्या है, थर्मोप्लास्टिक. मतलब क्या, आप देखते होगे माइक्रोवेव के अंदर, ठीक है, अगर आपके घर पे माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव है, कन्वेक्शन हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसके अंदर प्लास्टिक जैसा दिखने वाला एक डब्बे में चावल वगैरह गर्म होता है. अब मेरा क्वेश्चन ये है, नॉर्मली तो प्लास्टिक गैस के ऊपर रख के देखो क्या होगा, तुरंत मेल्ट हो जाएगा, लेकिन माइक्रोवेव के अंदर वो चल रहा है. ठीक है, तो काफ़ी केसेस में प्लास्टिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके प्रॉपर्टीज को चेंज किया जाता है, उसमें कुछ मिक्स करके. जैसे कि बचपन में दूध नहीं पीते थे तो मम्मी ने उसमें हॉर्लिक्स मिलाया, उसे एलॉय बना दिया, अब पियो, ठीक है, बहुत टेस्टी लग रहा है, पी लिया. ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए थर्मोप्लास्टिक. ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज चेंज कर दिया, अब वो हीट को रेजिस्ट कर सकता है. ठीक है, अब वो हीट को रेजिस्ट कर सकता है. नेक्स्ट क्या है, केमिकल कंपाउंड. ऑप्शन नंबर सी जो है, केमिकल कंपाउंड, क्या मतलब है, हाँ ठीक है, कंपाउंड, पॉलीमर, अगेन मिक्सचर करके कुछ बढ़िया सा बना दिया, या फिर एक केमिकल, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ये पॉलीमर्स है, ये चीज़ है. ठीक है, अब जो थर्मोसेट बनता है, बताओ आंसर क्या है. वेरी गुड, बहुत लोगों ने यहाँ पे बी लिख भी दिया है, बी लिख भी दिया है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, थर्मोसेट. थर्मोसेट वो चीज़ें होती है जिन्हें आप थोड़ा बहुत हीट से परमानेंटली चेंज कर सकते हो या फिर डिफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, सो व्हाट विल बी आर आंसर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थर्मोसेट. ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पे बी लिख रहे हैं सही, और जितने लोग कन्फ्यूज होकर ए लिख रहे हैं, हम आपसे बता दें
ये पूछा गया है कि डिफॉर्मेशन होगा, दवाओं से स्थायी रूप से विकृत हो सकता है। थर्मोप्लास्टिक इतने आसानी से विकृत नहीं होंगे। हो सकता है माने क्या? माने थर्मोसेट। ठीक है गाइस, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए काफी हद तक रेजिस्ट करेगा। विक्रांत सिंह, टेलीग्राम के लिंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना अभी भी और रेलवे के एग्जाम के अंदर भी, क्योंकि हो सकता है आपको आता हो। उदय साहू, वी विल डू बायोलॉजी क्लासेस, डू नॉट वरी अबाउट दैट। हम तीन चार टॉपिक एक साथ करने का कोशिश करेंगे, जितना कुछ क्वेश्चन से हो जाता है उसे क्वेश्चन से करने का हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलो अब आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। निम्न में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यह आपसे पूछा है। अब हम आपको सिंपल वर्ड्स में कहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है। जिस तरीके से एक मोर होता है, मोर के पंख होते हैं, ठीक है, आई कुड नॉट फाइंड एन ईजियर एग्जाम्पल, मे बी अभी भी मेरे दिमाग में ये एग्जाम्पल पता नहीं क्यों आया, बट एक मोर होता है, उसके पंख होते हैं, राइट, एंड द मोर डांसेस, मोर नाचता है। ठीक है, मोरनी इज सिंपल, वो सिंपल दिखती है, मोरनी नहीं नाचती है। ठीक है, दैट इज अ सिंपल क्रिएचर। तो वो मोर डांस कर रहा है मोरनी को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी जिसके थ्रू ये एलिमेंट्स बाकी एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ बॉन्डिंग वगैरह होगा। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के रेंज में आते हैं, जो ऑप्शंस आपको दिया गया है, उनमें से कौन सा आपका आंसर होगा। ठीक है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ओके, येस, मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑक्सीजन, सो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, सो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीन जो होता है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव्स में आता है। तो इसमें से आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अगर तीनों दिया हुआ होता तो तीनों ही आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं है, तो भले ही डिटेल्स ना याद रखो पर इतना ये तीन जरूर याद रखना। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, अब इसका आंसर जितने लोग बायोलॉजी के बारे में बोल रहे हैं, बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास याद कीजिए, हमने आपसे कहा था कि एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस ब्रांचेस हो सकता है और हमने बहुत सारे ब्रांचेस के बारे में पढ़ा भी था, व्हाट इज साइटोलॉजी, व्हाट इज हिस्टोलॉजी। अब उसमें याद करो, हमने आपसे कहा था टिश्यू को पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन एक केस में हम इन छोटे छोटे ऑर्गन्स को माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ते हैं, दूसरे केस में माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं पढ़ते हैं। इस हद तक मैंने आपको डिफरेंस बताया था, सो यू ऑल हैव टू गिव मी द आंसर कि जिसमें हमने माइक्रोस्कोप के अंदर इनको पढ़ा था। अब गलती से मैंने उसे ऑलरेडी लिख दिया है, तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर सी लिख रहे हैं, वेरी गुड, और जितने लोगों ने इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, ये डे 8 वाला क्लास है, आप डे 1 डे 2 वाले क्लासेस को देखो। डे 1 में हमने सेल्स किया था, डे 2 में हमने टिश्यूज किया था, तो वहाँ पे हमने आपको अच्छे से डिफरेंस के साथ बताया है। ठीक है, ओके, सो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोस्कोप के अंदर टिश्यूज को पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन बॉडी इज पॉपुलरली कॉल्ड द एडम्स एप्पल। इसमें से किसे आप पॉपुलरली एडम्स एप्पल के नाम से जानते हो? हम एक बार यहाँ पे हमारे टीम को रिक्वेस्ट करेंगे कि ओके, एकदम मिनिमम कर दीजिए, एकदम कम कर दीजिए। तब तक आप लोग इसे आंसर करने का कोशिश कीजिए। चलिए हम आपको एक बायोलॉजी का टॉपिक्स, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है इसका मैं एक सिंपल डायग्राम बता देती हूँ, बायोलॉजी का टॉपिक्स भी साथ साथ होता रहेगा। ओके,
ओके सो अभी बहुत लोगों ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर थायराइड ग्लैंड. वेरी गुड. हमें थोड़ा काम था इसलिए हम गए थे, यहाँ पे थोड़ा माहौल गर्म हो रखा था स्टूडियो के अंदर इसीलिए. ओके वेरी गुड. चलो अब जितने लोग बोल रहे हैं एड्रिनल, वेरी गुड, बिकॉज इट इज द शेप ऑफ, अच्छा एड्रिनल बोल रहे हो, एड्रिनल नहीं, यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गया तो ओके चलो लेट मी गिव यू अ वेरी क्विक डायग्राम. एक जल्दी से हम लोग यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं. ठीक है, सिर में तीन डायग्राम सबको दिख रहा होगा, सिंपलेस्ट डायग्राम. इसका आंसर एड्रिनल नहीं है, ध्यान से देखना. यहाँ गले में एक हॉर्मोन होता है, ठीक है, गले में एक हॉर्मोन होता है, दैट इज द शेप ऑफ एन एप्पल. तो बताओ गले में कौन सा हॉर्मोन होता है. तब तक हम इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं और आप लोग बताओ कि सही आंसर क्या होगा, गले में कौन सा हॉर्मोन होता है. ठीक है, ओके सो लेट मी टेल यू, सिर पे याद रखना तीन हॉर्मोन्स. ठीक है, सिर पे याद रखना तीन हॉर्मोन्स. नंबर वन, दी मास्टर ग्लैंड. मास्टर ग्लैंड मतलब सबका मास्टर है ये वाला ग्लैंड. कौन सा ग्लैंड है जो सबका मास्टर है, जो सबको रेगुलेट करता है, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड. इसके अलावा होता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक कौन सा है, और एक है पीनियल ग्लैंड. ठीक है गाइस, हमारे सिर पे तीन, याद रखना है सबसे ज़्यादा सिर पे सबसे ज़्यादा बोझ है. हमारे सिर पे तीन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड. अब आ जाओ इस क्वेश्चन के आंसर पे जो गले में होता है. ये सबको पता है कि गले में क्या होता है. गाइस टेल मी, गले में कौन सा हार्मोन होता है. इन केस ऑफ मेन, अगर आप कोई मेल हो, इफ़ यू आर अ मैन, तो आपके गले में यहाँ पे बाहर से आपको दिखेगा. फीमेल्स में हो सकता है बाहर से ना दिखे, मेल्स में बाहर से दिखेगा कि यहाँ हल्का सा स्वेलिंग हो गया है, राउंड स्ट्रक्चर एक बाहर आता है. सो दैट इज नोन एज एडम्स एप्पल. दैट इज नथिंग बट योर थायराइड ग्लैंड. और थायराइड के साथ साथ और कौन सा होता है, पैरा थायराइड. थायराइड एंड पैरा थायराइड. हेड हो गया, नेक हो गया, नाउ कम टू द हार्ट. ठीक है, अब हार्ट वैसे तो इधर होगा पर लिखने का जगह नहीं है इसीलिए. अब नेक्स्ट इज योर हार्ट. हार्ट में कौन सा होता है, इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है ना, थाइमस. थाइमस होता है आपके हार्ट में. थाइमस कहाँ होता है, हार्ट में होता है थाइमस. ठीक, फिर आ जाओ किडनी में. यहाँ क्या है, किडनी. और जब आप किडनी में आओगे तो किडनी में हॉर्मोन कौन सा होता है, एड्रिनल. किडनी में होता है एड्रिनल. ठीक है, और ये पैर में एग्जिस्ट करता है. बाकी सब सिंगल सिंगल थे, अकेले अकेले थे. ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हमारे दो आईज है उसी तरीके से ये भी दो किडनी में, दो किडनी है, राइट. सो दीज आर इन पेयर्स एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है, अब पेनक्रियस भी होता है यहाँ पे. देन फीमेल्स में ओवरी होता है और ओवरी में आगे चल के आपका ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन एक्सेट्रा होता है. ठीक है, एंड मेल में टेस्टिस होता है और आगे चल के टेस्टोस्टेरोन होता है. ठीक है, सो आई होप ये ब्रीफ ओवरव्यू आपको हॉर्मोन्स का मिल गया होगा, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा. एंड व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी द थायराइड ग्लैंड. ओके सो येस वेरी गुड. जितने लोग यहाँ पे सी लिख रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम खुद से. ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ कर सकते तो आप तो हमसे बहुत अच्छा ड्रॉ कर ले जाओगे. ठीक है, सो ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम योर सेल्फ एंड ट्राई टू रिमेंबर दिस लोकेशंस. ओके गाइस, चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर. प्रोजेस्ट्रोजन, यस एस्ट्रोजन. ओके चलो, सो यब हमारे पास आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना. एस कंपेयर्ड टू प्योर वाटर, अ बॉडी इन सॉल्ट वाटर विल. प्योर वाटर के कंपैरिजन में सॉल्ट वाटर में बॉडी क्या होगा ये आपको बताना है. ठीक है, लाइफ सेविंग हॉर्मोन आपका एड्रिनल होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर
किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत से वो बेहोश नहीं होता है और उसे ये समझ में आता है कि मुझे जिंदा रहना है, मेरे सांसों को चलते रहना है, जैसे मूवीज में दिखाता है ना, डोंट गो ऑफ, अभी नहीं अभी नहीं, तो सांस लेते रहने में वो मदद करता है, वो हमारा इनसाइट में ताकत को जगाता रहता है. सो आवर बॉडी कीप्स ऑन वर्किंग और हम लोग जिंदा रहते हैं. वो इच्छा शक्ति से रिलेट आप कर सकते हो उसे. अदरवाइज हॉर्मोनली वो सबको सिग्नल करता है ये हॉर्मोन कि रुको, मरना मत, सांस लेते रहो, हॉस्पिटल आ रहा है, लाइक दैट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ लाइफ सेविंग हॉर्मोन. गाइज, अगर पसंद आ रहा है तो साथ साथ लाइक भी करते रहो, क्योंकि लाइक एंड व्यूज़ के बीच थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है. सो कीप ऑन लाइकिंग एज वेल. ओके, सो सम ऑफ यू आर सेइंग कि सिंक कर जाएगा, कुछ कह रहे कि लेस सिंक करेगा. सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको तैरना नहीं आता, आपने कभी डेड सी के फोटोज़ को देखा होगा, गूगल में बहुत अच्छी तरीके से सर्च कर लेना, डेड सी के ऊपर लोग दिखेंगे न्यूज़पेपर पढ़ के आराम से फ्लोट कर रहे. तो जब सॉल्ट वाटर होता है, सॉल्ट वाटर का डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज डेंसिटी आप उसके ऊपर फ्लोट कर सकते हो. इसका मतलब आप डूबोगे नहीं, आप सिंक नहीं करोगे, सो यू विल सिंक लेस. आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब हम कम डूबेंगे, वी विल नॉट सिंक. ठीक है, तो डेड सी में अगर आप तैरोगे तो कोई सिंक कर ही नहीं सकता है. सॉल्टी वाटर, बॉडी विल सिंक लेस, वेरी गुड. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है गाइस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलोइडल सोल्यूशन. इसमें से कौन सा कोलोइडल सोल्यूशन है ये आपको बताना है. देखो, तीन टाइप के सोल्यूशन आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा. डेफिनेशन तो नहीं पूछा जाता है, एग्जाम्पल्स पूछा जाता है. डेफिनेशन आपके समझने के लिए है और एग्जाम्पल्स एग्जामिनर के पूछने के लिए है. ठीक है, ओके, चलो. पहला क्या हो गया, ट्रू सोल्यूशन, सच्चा सोल्यूशन. ठीक है, ट्रू सोल्यूशन. दूसरा क्या हो गया, कोलोइडल सोल्यूशन. और तीसरा क्या हो गया, सस्पेंशन. तो इन तीनों का एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम के लिए याद रखना होगा. जो इसमें पहला दिया हुआ है, विनेगर सोल्यूशन, देखिए आप लोगों ने क्या आंसर किया है, ए भी बहुत लोगों ने आंसर किया है, डी भी बहुत लोगों ने आंसर किया है, तो इसीलिए हमें ये करना पड़ेगा. ठीक है, मडी वाटर भी बहुत लोग लिख रहे हैं. ओके, सो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना. जो विनेगर सोल्यूशन होता है, विनेगर सोल्यूशन, लिक्विड आपको दिखता है, राइट. सो विनेगर सोल्यूशन इज अ ट्रू सोल्यूशन. अगर विनेगर नहीं समझ में आ रहा है तो और एग्जाम्पल सुनो. नींबू निचोड़ के पानी में डाला, ठीक है, क्या निकलेगा, आउटपुट इज अ ट्रू सोल्यूशन. ठीक है, सो लाइम वाटर, लेमन वाटर, लाइम वाटर या फिर नींबू पानी, वो भी क्या होगा, ट्रू सोल्यूशन. ठीक है, और जो इसमें ऑप्शन नंबर टू है, पेंट जो आपका दिया हो, साथ ही साथ ऑप्शन नंबर डी देखो, शुगर सोल्यूशन. शुगर सोल्यूशन भी क्या है, नींबू मिलाओ चाहे शुगर मिलाओ, क्या फर्क पड़ता है, शुगर सोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो अ ट्रू सोल्यूशन. जो दूसरा ऑप्शन है, पेंट, पेंट में देखना, पेंट का जो कंसिस्टेंसी होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि ऊपर का पेंट पतला है, नीचे वाला पेंट क्या है, गाढ़ा है, ऐसा तो नहीं होता है. ठीक है, दाल को थोड़ी देर रख दो तो दाल नीचे आ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, लेकिन पेंट में ऐसा नहीं होता है, वो पूरा कंसिस्टेंसी उसका बराबर होता है. ठीक है, ग्रेवी जैसा होता है, बराबर. पेंट तो सभी ने देखा होगा, राइट. सो व्हाट इज पेंट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन. पेंट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन. अगर आप हेयर्स में जेल वगैरह लगाते हो, स्पेशली मेल्स बॉयज, तो उस केस में भी आपको दिखेगा आपका जेल जेल फॉर्म में ही रहता है, अलग अलग तो नहीं होता है ना कि जेल का पानी ऊपर सॉलिड नीचे, राइट. सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन. जो ऑप्शन नंबर सी है, मडी वाटर, पानी लो उसमें मिट्टी मिलाओ, मड मिलाओ या फिर उसमें सैंड मिलाओ, तो क्या हो जाएगा, अगर आप उसमें मिट्टी मिला दोगे, राइट, मडी वाटर, मड, मिट्टी मिला दोगे, तो मिट्टी पानी में घुल जाएगा, थोड़ा देर के लिए एज इट इज़ रहेगा, बट कुछ ही समय बाद क्या हो जाएगा, मिट्टी नीचे, मड नीचे और पानी ऊपर, राइट. सो दैट इज सस्पेंशन. ठीक है, एकदम सिंपल करते, जब ये दोनों अलग अलग हो जाएगा ना, मिट्टी विट्टी सब नीचे हो गया, सैंड नीचे हो गया, ठीक है, या फिर अगर आपने पत्थर डाल दिए, पत्थर नीचे पानी ऊपर, वो सभी सस्पेंशन हो गया. जब वो बराबर है, सब सही है, दैट इज़ योर
कोलोइडियल सोल्यूशन, इतना इजीली ये डिफरेंस नहीं होगा, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, ट्रू सोल्यूशन कहलाएगा, जब पूरा बराबर से मिक्स हो गया है. दिस इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर, ये भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर है और ये भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर है. एनी डाउट, कोई डाउट है? ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, यस, मडिस कीचर, प्रवीण कुमार, वेरी गुड, मडिस कीचर. होमोजीनियस और हिटरोजीनियस एक सेंटेंस में हम आपको बता दे रहे हैं द डिफरेंस. ये शुगर सोल्यूशन को रहने देते हैं, जब आपने चीनी को पानी में मिलाया सब कुछ होमोजीनियस हो गया. होमो मतलब सब कुछ बराबर हो गया, कहाँ चीनी कहाँ पानी सब बराबर, राइट? सो दैट इज होमोजीनियस. लेकिन वही जो आपने सैंड को वाटर में मिलाया था, ठीक है, सैंड को, बालू को जब आपने पानी में मिलाया था तो बालू नीचे पानी ऊपर, वो क्या हो गया, वो आपका हिटेरोजीनियस हो गया. ठीक है, सो दिस इज होमोजीनियस बराबर दिस इज हिटेरोजीनियस. ठीक है, ओके, सो आई गेस वी शुड प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, बिल्कुल, फन इज ऑल्सो राइटिंग, नो डाउट. ओके, चलो, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच. अब देखो, हमने आपसे कहा था थोड़ा पुराना किताब पूछा जा सकता है, ठीक, तो आपको ये पूछा है कि कौन सा किताब सही से मैच किया हुआ है. पहले तो एक तो आप आराम से निकाल सकते हो जो सही से मैच नहीं किया है, ठीक है, तो पहले तो उसको एलिमिनेट कर दो जो आप सब लोग श्योर हो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है इस पुस्तक को, दीनबंधु मित्रा ने नहीं लिखा है. सो सी को तो सभी लोग निकाल दो. ठीक है, नाउ ऑप्शन नंबर डी जो है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा है, दिस हैज बीन रिटन बाय रमेश चंद्र दत्ता. दादा भाई नेहरू जी का बुक, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइट. अब रविंद्रनाथ टैगोर जी के फेमस बुक्स काफ़ी बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो यू शुड नो कि उनके इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है जिसमें से नील दर्पण नहीं है. तो बताओ सही आंसर क्या होगा. यस, आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड. तो जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लिख रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बट एक बात मुझे बताने का कोशिश करो, यहाँ पे एक ऑप्शन उल्टा कर दिया गया है. जो ऑप्शन नंबर सी है ना, दीनबंधु मित्रा, उनका बुक है नील दर्पण. ठीक है, नील दर्पण इज रिटन बाय दीनबंधु मित्रा, तो वो याद रखना बिकॉज ही इज ऑल्सो ओके. तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, वेरी गुड. डी जितने लोगों ने लिखा है, डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड गीतांजलि, बिल्कुल सही, दैट इज फेमस बुक रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज ऑल्सो रेफर्ड एज दक्षिण गंगा. कौन से नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण का सबसे बड़ा रिवर, द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया नोन एज दक्षिण गंगा, ऑल्सो नोन एज, दूसरा क्वेश्चन मेरा याद करना, इसमें दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा. गाइस दोनों का आंसर करो, दोनों का आंसर करो, दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा कि अलग होगा, और अगर सेम होगा तो कौन सा नदी होगा, टेल मी दैट. वेरी गुड, बहुत लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गोदावरी, गोदावरी. अब जितने लोगों को इस चीज़ का कन्फ्यूजन है, वंस एंड फॉर ऑल लेट अस रिमूव दिस. वृद्ध गंगा, गाइस मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पहला इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को छोड़ना है कि वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है. ठीक है, क्योंकि दक्षिण गंगा सब श्योर होते हैं गोदावरी, बट वृद्ध गंगा में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं. सो वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ोगे. ठीक है, बहुत लोग अभी भी यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन का मेरा आंसर गलत दे रहे हैं, सो दैट यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. ओके गाइस, चलो लेट्स गो टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे. सर्वोदय मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, जब हम हिस्ट्री कर रहे थे तब हमने बताया था कि इंडिविजुअल सत्याग्रह, मतलब अपने लेवल पे सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था. ठीक है, अब वैसे जो ये सर्वोदया कंसेप्ट है, मतलब सर्वो मतलब सबका,
उदया मतलब उदय, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, सर्वो दया, सबका उदय, सबका अपलिफ्टमेंट, सबको आगे लेके जाओ, सबको आगे बढ़ाओ, ठीक है। अब आजकल आपने सुना होगा सबका साथ सबका विकास, राइट। सो कंसेप्ट्स देखो, सर्वो दया, सबको उठाओ, ठीक है, ओके। सो ये जो कंसेप्ट है ये ओरिजिनली 1909 के आसपास जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तभी ये कंसेप्ट आ गए थे, ठीक है, इस तरीके के बातें या फिर इस तरीके का थॉट प्रोसेस। लेकिन ये जो मूवमेंट है ये इंडिया में किसने स्टार्ट किया? अगर आप इंडिविजुअल सत्याग्रह को याद करोगे तो सबसे पहले सत्याग्रही जो जेल के अंदर गए थे वो हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया था कि ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे, ठीक है, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया था। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, आई कैन सी सम ऑफ यू आंसरिंग ऑप्शन नंबर ए एंड सम ऑफ यू आंसरिंग ऑप्शन नंबर बी। हालांकि इसमें बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए था, बट ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो हमें एक ही यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विनोबा भावे। ओके गाइस, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये मत सोचना कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके राइट्स का क्वेश्चन है। सो जो जीके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है ना उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो एक दो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफी था, लास्ट वाला हिस्ट्री था, तो ये वाला पॉलिटी, लेकिन डायरेक्टली नहीं, रिलेटेड वाले। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में दी पावर टू इशू अ रिट, रिट जारी करने का अधिकार ऑफ हेबियस कॉर्पस इज वेस्टेड इन, मतलब रिट इशू करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है या हाई कोर्ट के पास है या सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास है? हम आपसे बार बार कहते रहते हैं आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। सो यू हैव टू गिव मी दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, वेरी गुड, आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू आंसरिंग ऑप्शन नंबर डी। तो इसे मैंने जब भी पॉलिटी के क्लास में, जब भी हमने फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किया, हमने आर्टिकल 32 डिस्कस किया, हमने पांच टाइप के रिट्स डिस्कस किए थे इन शॉर्ट, ठीक है। तो उसमें से आप याद करो कि हेबियस कॉर्पस किधर, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, 32 to 226, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है गाइस। तो जितने लोग डी लिख रहे हैं बिल्कुल सही, ठीक है, ओके, लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हम क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन पे आ गए, एक एक देख लिया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, वापस हम आ गए हैं स्टैटिक क्वेश्चंस में। वेयर इज बोरा केव्स, बोरा केव्स कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे लोकेटेड है? ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है कि साउथ इंडिया के चीज़ों को पूछा जाता है, कल जैसे कॉफ़ी प्रोडक्शन के बारे में पूछा गया था, राइट। सो उसी तरीके से बोरा केव्स कहाँ स्थित है, आई हैव बीन देयर। तो विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ये लोकेशन है, अरकू वैली में, ठीक है, बट आंसर हमने आपको नहीं बताया अरकू वैली में है। सो टेल मी व्हाट विल बी दी आंसर, अरकू कहाँ है ये पता होने से भी हो जाएगा। ओके, आई कैन सी मोर देन 1000 लाइक्स अगेन, सो ब्लेस्ड, हैप्पी अबाउट इट, ओके, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आंध्र प्रदेश में है। सो अरकू वैली कहाँ है, अगर ये क्वेश्चन होता कि बताओ अरकू वैली कहाँ है, सो अरकू वैली इज ऑल्सो इन द विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जहाँ पे आपका क्या है, बोरा केव्स, ठीक है, ओके। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत करना, ध्यान से पढ़ना मेरे साथ साथ क्वेश्चन को। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज एम, एक बॉडी का मास दिया गया है, मास इक्वल्स टू एम, ठीक है, मास दिया गया है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती के ऊपर एक बॉडी है जिसका मास है एम, इट्स मास ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज, अगर ये अर्थ पे ना होके मून पे होता तो इसका मास क्या होता, ये पूछा गया है, मास, मास, ठीक है। जितने लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन, पार्ट वन क्वेश्चन का सेम है कि मास एम ऑन अर्थ, ठीक है,
अब आगे वेट ऑन अर्थ क्या होगा ये मुझे बताना, और इस कॉम्बिनेशन में, ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसका खिचड़ी पका के वो कुछ भी आपको पूछ सकता है। CHSL के अंदर अलग पूछ देगा, CGL के अंदर थोड़ा और आपका ऊपर का पूछ देगा। यहाँ पे एकदम सिंपल पूछा है, मास पूछा है। CHSL तो हो सकता है वेट मास को मिला देता। यस, मुझे पता था यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। कुछ लोग लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, M/6 इज करेक्ट। बहुत लोग लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 100%। दोबारा रिपीट कर रहे, मास इक्वल्स टू एम। मास इन मून, मून पे वेट को तो मिलाया ही नहीं है क्वेश्चन में, वेट को तो मिलाया ही नहीं है, मास पूछा गया है, सभी को आंसर पता है। चलो तो हम इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं, ध्यान से सुनना जितने लोग कंफ्यूज है, बाकियों के लिए बहुत इजी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, मास जो होता है ना, मास इज द मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। मतलब क्या? मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण वाला फोर्स था पिछले पिछले कुछ स्लाइड पहले, उस गुरुत्वाकर्षण को हटा दो, नो ग्रेविटी, ग्रेविटी को हटा दो। ग्रेविटी के बाद इसमें जो है मास, उसको हम क्या कहते हैं, इसके अंदर जो ऑलरेडी है दैट इज मास, रिमूविंग गुरुत्वाकर्षण, उसे अभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये मास पृथ्वी पे रखो तो भी एम, मून पे रखो तो भी एम, प्लूटो में रखो तो भी एम, मार्कर तो वही है ना, तो इस मार्कर को कहीं भी रखो इट इज एम ओनली। सो मास ऑफ द बॉडी इज एम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ पे अगर एम है, इट्स मास ऑन मून इज ऑल्सो क्या होगा, एम। अगर पूछे इट्स मास इन अरकु वैली, एम, इट्स मास इन से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, हर जगह इट्स मास इज एम। मतलब क्या? मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मास हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, हर जगह मास सेम है। ठीक है, अब इस पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया गाइस? वेरी गुड, जितने लोग सी लिख रहे हैं, सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो गया, दैट इज मास विल रिमेन सेम, इट इज एम। ठीक है, हालांकि स्मॉल एम लिखा हुआ होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, बट इट्स एम। ठीक है, सी इज द आंसर। अब आगे सुन लो थोड़ा सा, वेट जो होता है W, वेट इक्वल्स टू एम जी, वेट W इक्वल्स टू एम जी, यानी कि ये जो मास था, ये मास m इंटू, अब जो अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे कंसिडर करेंगे, एंड g इक्वल्स टू हमें पता है 9.8। ठीक है, तो अब मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली 10 एज्यूम कर लेती हूँ, 9.8 मतलब 10 के आसपास। अगर मैंने इसे 10 एज्यूम कर लिया तो 10 इंटू एम, ठीक है, माने क्या? अगर आपका वजन अर्थ पे 50 किलो है, ठीक है, अगर आपका वजन अर्थ में 50 किलो है और अगर आप मून में चले जाओगे तो मून में क्या हो जाएगा, क्योंकि अर्थ में, चलो ऊपर नहीं लिखते, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपका वेट अर्थ में 50 kg है, ओके, देन टेल मी मून में आपका वेट क्या हो जाएगा, मून में आपका वेट क्या हो जाएगा, प्रोवाइड द फॉर्मूला वेट इक्वल्स टू मास इंटू जी, एम जी, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। सो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। जल्दी से बताते, मैथ्स आप करोगे तो ये मैथ्स के हिसाब से तो ये कुछ मैथ्स है ही नहीं। ठीक है, अगर मास हर जगह सेम रहता है और वेट क्या होता है, वेट इक्वल्स टू एम जी, मतलब अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशन है, सो वेट इक्वल्स टू एम जी। सिंपल गाइस, ओके, वेरी गुड। नाउ आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू रिलेटिंग इट टू ऑप्शन नंबर ए। अब आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता, ठीक है, दैट इज 50। ओके, वेरी गुड। ओके चलो, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है, नो डाउट्स, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा देखो एक चीज और, हम पिछले क्वेश्चन को लेके कह दे, वो आपको कन्वर्जन तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, पर ये जरूर पूछेगा कि वेट कहाँ ज्यादा होगा, मून में ज्यादा होगा कि अर्थ में ज्यादा होगा, तो अर्थ में वेट ज्यादा होगा।
ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का ज्यादा है, इंक्रीज डिक्रीज वो पूछेगा वेथ के रिस्पेक्ट में. ओके चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आशीष कुमार सीरीज हम करने का कोशिश जरूर करेंगे इफ टाइम परमिट्स. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. बहुत सुंदर क्वेश्चन है. सभी लोगों को पता है कि जो चुंबक होता है वो लोहे को आकर्षण करता है, ठीक है. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, चुंबक जो होता है वो लोहे को आकर्षण करता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करो, वो भी किसी को अट्रैक्ट कर रहा था, मोर भी किसी को अट्रैक्ट कर रहा था, और इधर मैग्नेट भी किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है. सो टेल मी द आंसर. मुझे पता है कि बी और सी के बीच बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सो गिव मी द आंसर कि बी और सी में से एक में सल्फाइड्स है. जिस तरीके से प्रॉपर्टी चेंज हो गया था, प्लास्टिक माइक्रोवेव के अंदर चला गया था, उसी तरीके से आयरन सल्फाइड के केस में क्या होगा, चुंबक आयरन होने के बावजूद आयरन सल्फाइड को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज हो गया था. सो गाइस, जितने लोग यहां पे बी आंसर लिख रहे हैं, ऑल दोज पीपल हु आर गिविंग बी एज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है. आयरन फिलिंग्स मतलब नॉर्मल आयरन के टुकड़ों को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो सल्फाइड है वो आयरन के प्रॉपर्टी को इस हद तक बदल देता है कि अब मैग्नेट आयरन सल्फाइड को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है गाइस. सी जो है आयरन सल्फाइड को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय ल्यूकोडर्मा. जो ल्यूकोडर्मा डिजीज होता है ना, आपने बहुत से कॉस्मेटिक्स में देखा होगा कि इसे लगा लोगे तो आप फेयर हो जाओगे, आप वाइट हो जाओगे, ठीक है, फेयर एंड लवली एक्सेट्रा, आप वाइट हो जाओगे. फिर कुछ कॉस्मेटिक्स में जो और महंगे रेंज के आएंगे, आपने ये तक पढ़ा होगा कि इसे लगाओगे तो जो मेलेनिन पिगमेंट है हमारे स्किन में, जो मेलेनिन पिगमेंट है हमारे स्किन में वो ही कम हो जाएगा, और अगर मेलेनिन पिगमेंट कम हो जाएगा तो आप तो पक्का गोरे हो गए, तो ये और महंगा है, चलो इसे खरीद लो, ठीक है. अब देखो होता ये है, पहली बात आप मुझे ये बताओ, जो लोग डार्कर होते हैं मतलब जो थोड़े से व्हीटिश या फिर थोड़े से डार्क होते हैं उनको जल्दी सन टैनिंग होगा, या जो वाइट होते हैं उनको जल्दी सन टैनिंग होगा? अगर हमारे शरीर में कुछ है तो किसी ना किसी रीजन के वजह से होगा. अगर हमारे स्किन में मेलेनिन पिगमेंट है, सो मेलेनिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी सन, सन के जो हार्मफुल यूवी रेज होते हैं उसमें मेलेनिन का एक रोल है, उसका एक रोल वो प्ले करता है. और डार्क लोगों में मेलेनिन पिगमेंट ज़्यादा होता है, वाइट लोगों में मेलेनिन पिगमेंट कंपेरेटिवली कम होता है, ठीक है. अब ये सब आर्टिफिशियल क्रीम में लगा के मेलेनिन गड़बड़ कर दिया, या फिर किसी भी रीजन से हो, ये तो मैंने सिर्फ आपको मेलेनिन समझाने के लिए बताया. ये जो डिजीज होता है ल्यूकोडर्मा, इसमें क्या होता है, जो स्किन होता है ना उसमें से ये मेलेनिन पिगमेंट अपने आप से कम होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है, ठीक है. तो यू सी कि डार्क लोगों में मेलेनिन ज़्यादा था, वाइट लोगों में मेलेनिन कम था. मेलेनिन कम, वाइट लोगों में मेलेनिन कम, इसका मतलब क्या, जो बॉडी है उसमें कुछ वाइट कलर के पैचेस देखने को मिलेगा, जैसे वाइट पैच पैच वाइट 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 जगह जगह पे देखने लगेगा, और बहुत ज़्यादा हो गया तो हो सकता है पूरा वाइट वाइट कलर का इंसान देखने को मिले. सो इट हैज़ अफेक्टेड विच पार्ट ऑफ द बॉडी, ये सभी ने सही यहाँ पे आंसर कर दिया है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्किन को इसने अफेक्ट किया है. तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्किन को अफेक्ट किया है. ओके गाइस, चलो सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इशूड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नॉर्म्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज. जो लाइफ इंश्योरेंस करने वाली कंपनीज होते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आप पता ही है, LIC वगैरह भी है, ठीक है, तो इनको IPO इशू करने में, IPO LPO आपने सुना होगा, इनिशियली फर्स्ट स्टेज में जो इशू करते हैं वो IPO, IPO इशू करने के लिए नॉर्म्स कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इशूड, कौन इशू करता है इन नॉर्म्स को, ठीक है. निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जीवन बीमा कंपनियों के लिए नॉर्म्स इशू करता है? दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगा, एक सेबी, दूसरा RBI. सो ट्राई टू गिव मी द करेक्ट आंसर.
IRDA भी यहाँ पे कुछ लोग लिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे कुछ लोग लिख रहे हैं। जितने लोग अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं उनका भी हम यहाँ पे स्वागत करेंगे। अभी भी हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस हैं, सो वी विल डिस्कस देम, डोंट वरी। वेरी गुड। सो आई कैन सी कि यहाँ पे सभी लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हैं। अब इसमें से जितने लोगों का कल सिंडिकेट बैंक का एग्जाम है, जितने लोग कल सिंडिकेट बैंक का एग्जाम देने जाएंगे या फिर आज प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं, आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है गाइस। सो उन लोगों के लिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ूंगी, ओके। सो उन लोगों के लिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ूंगी कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है गाइस, ओके। चलो, सो विद दिस लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने बैंक वालों के लिए छोड़ दिया है, एक क्वेश्चन मैंने बैंक वालों के लिए छोड़ दिया है। जितने लोग बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ा है। किनके लिए? बैंक वालों के लिए, ठीक है। सभी लोग कर सकते हैं पर बैंक वालों के लिए स्पेशली ये एक लौता क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखना कि बैंक के लिए RBI और बाकियों के लिए कौन होगा, इस हिंट को ध्यान रखना। हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका मतलब क्या? इसका मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है? अब देखो, पहले का क्वेश्चन पेपर है तो इसमें प्रेजेंट से एक स्टेप पहले जो थी उनका नाम है, तो आप मुझे उनका नाम बताओ कि प्रेजेंट से एक स्टेप पहले कौन थी, और हम आपको इनका नाम बताएंगे कि प्रेजेंट में कौन थी, ओके। यस, हिंट को बहुत लोगों ने पकड़ लिया है और बहुत लोग सही आंसर दे भी रहे हैं, ओके। तो आप मुझे बताओ कि प्रेजेंट से पहले का नाम क्या है ताकि हम आपको प्रेजेंट का नाम बताएं। वेरी गुड। जितने लोग यहाँ पे ममता शर्मा लिख रहे हैं, दैट इज द एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर। इसका मतलब कौन? इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, ममता शर्मा। लेकिन उससे पहले, जस्ट पहले कौन? ओके, देखो, ऑप्शन नंबर सी जो है जयंती पटनायक इस प्रेजेंट जो है उनसे जस्ट पहले। तो इस क्वेश्चन का आंसर तब जब ये पूछा गया था तब इसका आंसर जयंती पटनायक था, लेकिन अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ इंडियन नाम सोचो। वेरी गुड, यहां पे सही आंसर दिया है, ऑप्शंस में चला गया आगे, लेकिन सही आंसर लितिका कुमार का नाम अभी यहां पे किसी ने लिखा था, लितिका हरी शंकर पाल ने यहां पे हमें सही आंसर दिया है। हरी शंकर पाल ने लितिका कुमारी लिखा है बट द नेम इज लितिका कुमार मंगलम, ठीक है। तो नाम क्या हो गया? लितिका कुमार मंगलम इज द करेक्ट आंसर। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अभी नन ऑफ दिस हो जाएगा। पहले क्या होता? पहले हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होता, ठीक है गाइस। चलो, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच गवर्नर जनरल्स रेन वॉज द फर्स्ट ट्रेन सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया? अभी आपको पता होना पड़ेगा, आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो, तो किसके टाइम पे सबसे पहला ट्रेन मुंबई टू ठाणे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। किसके टाइम पे फर्स्ट ट्रेन सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया? हिस्ट्री का क्लास जितने लोगों ने कहा किया था, हम आपको हिंट याद करा दें, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हमने आपसे कहा था कि जिसका खुद का बच्चा नहीं, झांसी का रानी, एडॉप्टेड बच्चा, एडॉप्ट किया हुआ बच्चा, सो आपका टेरिटरी मेरा हुआ, ऐसा कहा था इस इंसान ने। डी फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड डी फॉर, गिव मी द आंसर्स, डी फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड डी फॉर डलहौजी, वेरी गुड। तो जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लिख रहे हैं, डी फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डी फॉर डलहौजी, डी फॉर दिस पर्सन जिन्होंने सबसे पहला ट्रेन सर्विस स्टार्ट करवाया था, तो आंसर भी क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर
डी डलहौजी. ठीक है गाइस, चलो लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. कैनिंग जितने लोगों ने लिखा था, सी जितने लोगों ने लिखा था, कैनिंग का नाम आप याद रखना बंगाल पार्टीशन के साथ. ठीक है गाइस, ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोकन करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय. दो क्वेश्चन हो सकता है. एक, टोकन करेंसी इंडिया में सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था. दूसरा, पेपर करेंसी जो आज के टाइम में सक्सेसफुल है, राइट, हम लोग पेपर करेंसी यूज कर रहे हैं, सबसे पहले पेपर करेंसी स्टार्ट करने वाले अ फॉर्म ऑफ टोकन करेंसी चाइना में किसने स्टार्ट किया था. दो आंसर आपका हो सकता है. सो दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे देने का कोशिश करो. वेरी गुड, यहाँ पे बहुत लोगों ने ऑप्शन नंबर डी लिख दिया है, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक. उन्होंने फर्स्ट टाइम कोशिश किया था कि चलो हम टोकन करेंसी स्टार्ट करने का कोशिश करें. ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा गया होता कि रुपया किसने सबसे पहले स्टार्ट किया था, सो रुपया स्टार्टेड बाय शेर शाह सूरी. ठीक है, अदरवाइज बेस बनाने का कोशिश किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और उसके बाद शेरशाह सूरी ने, और उससे पहले, इन दोनों से पहले किसने स्टार्ट किया था, चाइना में कुबलाई खान. सो क्रेडिट इनको जाता है सक्सेसफुल होने का, बिकॉज ही वॉज सक्सेसफुल एंड दिस पर्सन मोहम्मद बिन तुगलक ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, और ये चीज याद रखना, कुबलाई खान ओवरऑल अगर पूछा गया तो. ठीक है, ओके. सो और रुपया जो हम आजकल यूज करते हैं, रुपया पैसा दाम कितना है. ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज द फर्स्ट जनरल पोस्ट ऑफिस ओपन्ड इन इंडिया. इंडिया में सबसे पहला जनरल पोस्ट ऑफिस किसने स्टार्ट किया था. सिंधु कुमारी लिख रहे हैं कि ओके, थोड़ा लेट हो गया, चलो नो इश्यूज. ओके, सो सबसे पहला पोस्ट ऑफिस किसने स्टार्ट किया था इंडिया में. फर्स्ट जो आपका पोस्ट ऑफिस सिस्टम था वो कब स्टार्ट हुआ था. रेलवे हमने देख लिया, सेम ईयर टेलीग्राम भी आपका स्टार्ट हुआ था. ठीक है, टेलीग्राम ऑल्सो, एंड उससे पहले स्टार्ट हुआ था पोस्ट ऑफिस. अब याद करो, तीन चीजें हमने आपको हमेशा जोड़ने के लिए कहा था, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास. जो भी चीज होता था लगभग एक साथ होता था, कोलकाता, फिर आपका बॉम्बे और फिर आपका मद्रास. ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन सोचने का कोशिश करो, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास. अब मुश्किल का बात यह है, दिक्कत का बात यह है कि मुंबई और कोलकाता दोनों दिया हुआ है. सो ये आपका बहुत मुश्किल का बात यहाँ पे हो गया. तो वैसे तो स्टार्ट सबसे पहले मुंबई में हो गया था. ठीक है, वैसे तो 1700 समथिंग के आसपास ही, 1700 कुछ के अंदर ही मुंबई में आपका ये स्टार्ट हो गया था. ठीक है, बट जो जनरल पोस्ट ऑफिस है ओपन्ड इन इंडिया, दैट इज इन कोलकाता. अदरवाइज मुंबई में भी 1764 के अंदर ये स्टार्ट हो गया था. ठीक है, ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीनी इलाही वॉज फाउंडेड बाय. अब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डेप्थ में हिस्ट्री में नहीं गया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, या फिर सिख धर्म का स्टार्टिंग किसने किया था, ये क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, और उसी तरीके से दीन ई इलाही का फाउंडेशन किसने रखा था, स्टार्ट किसने किया था, ये आपको बताना है. मिकी माउस, दैट इज एन ऑकवर्ड नेम, बट स्टिल यस, कोलकाता के अंदर आते आते 1853-54 हो गया था. अदरवाइज 1764 में मुंबई में आपका स्टार्ट हो चुका था. ओके, सो आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू, ऑलमोस्ट एवरीबडी, यहाँ पे सभी लोगों ने सही आंसर दिया है कि अकबर ने स्टार्ट किया था दीन ई इलाही. तो देखना एक बार कि दो आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड जीके पूछा गया है, या कुछ स्टैटिक्स जैसे बैंकिंग में होता है उस तरीके से कुछ स्टैटिक्स पूछा जाए, बट स्टिल इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप रेलवे के पेपर से अलग नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर सी. चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स लुक एट दी नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम. जब हमें आज़ादी मिला था तब ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटेन के अंदर प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे. ये एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन इसलिए भी है
क्योंकि इनका इलेक्शन होना ब्रिटेन के अंदर लेफ्टिस्ट विंग से इनको बनाना प्राइम मिनिस्टर, वो भी एक रीज़न है कि क्यों हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि भैया ऐसा है 1948 से पहले जितने भी यहाँ हैं मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू महासभा, जो लोग भी हो आप लोग डिसाइड कर लो क्या करना है, पार्टीशन करना है नहीं करना है, डिसाइड करके मुझे फाइनल बता दो, ना तुमने बताया उससे पहले हम तो यहाँ से चले जाएंगे, फिर आप लोगों को जो करना है करना. सो दिस पर्सन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, और ऑटो में बैठ के ये पर्सन आए हैं. वेरी गुड, अटली. सो ही इज क्लेमेंट एटली. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए क्लेमेंट एटली इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिल्कुल सही, लेबर पार्टी यहाँ पे किसने लिखा, बहुत अच्छा, लेबर पार्टी, वेरी गुड. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेस्कॉम स्टैंड्स फॉर, नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है. अगेन बैंकिंग एस्पिरेंट्स, कम ऑन जल्दी से आंसर दो, नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है. ओके, नेशनल एसोसिएशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ना. नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, नेशनल एजेंसी ऑफ सीक्रेट सर्विसेज कंपनीज. एक और ऑप्शन कंप्यूटर जी, क्या आप ऊपर लेके आ सकते हो एक और ऑप्शन? नहीं आए तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आंसर आपको यहीं पे दिख जा रहा है, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, यस, वेरी गुड. यहाँ पे बहुत लोग ऑप्शन नंबर बी लिख रहे हैं और कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए भी लिख रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, बी होगा या फिर ए होगा? अरे शेयर्स, देखो शेयर्स वाला कौन सा है, ये तो मैंने पढ़ के ही बोल दिया था कि नहीं सही नहीं लग रहा है, राइट. चलो कोई बात नहीं, दिस इज ओके, ये चलेगा. तो आंसर वैसे भी इसी में छुपा हुआ है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज. तो आंसर क्या हो गया, बी गाइस, बी इज द करेक्ट आंसर, डी को ढूंढने का जरूरत ही नहीं है. ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर. सो लेट अस लुक एट वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेम्पलरी वर्क डन इन द फील्ड ऑफ, कौन से फील्ड में, मतलब जर्नलिज्म में क्या क्या अवार्ड दिया जाता है, लिटरेचर में क्या क्या अवार्ड दिया जाता है. एक बार लास्ट क्लास में हमने कहा था कि सिविलियंस को क्या क्या मिलता है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री. ठीक है, उसी तरीके से आर्मी में क्या क्या अवार्ड मिलता है, उसी तरीके से जनरल साइंस अगर एक सेक्शन है तो बताओ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा दिया जाता है. इस क्वेश्चन के साथ अभी हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम फिर से आपके लिए और क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे. वेरी गुड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, पकड़ लिया आप लोगों ने हिंट को. सो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज गिवन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो आपने देखा कि रेलवेज में क्या ज़्यादा पूछा जाता है, इनफैक्ट SSC में भी यही ज़्यादा पूछा जाता है कि फील्ड बता दो, कौन सा अवार्ड कौन से फील्ड में, और ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट टाइम किसे मिला था, अगर बहुत फेमस अवार्ड है तो फर्स्ट टाइम किसे मिला था, ये पूछा जाता है. लेकिन कमिटी कमीशन अगर पूछा जाए तो अपडेटेड नाम याद रखना उस केस में ज़रूरी है. ठीक है, जैसे कि आज के क्लास में आपने देखा था, कहाँ गया, WMC, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का चेयरपर्सन का नाम पूछा गया. ठीक है, ललिता कुमार मंगलम, तो ये नाम जरूर याद रखना, अपडेटेड नेम्स जरूरी है. ओके गाइस, सो वी आर गोइंग टू एंड अप दिस सेशन यहाँ पे हम इस सेशन को आज कंप्लीट करेंगे. अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करो, प्लीज़ लाइक दी सेशन, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करो, और सबको जाके ये बात बता दो कि इफ़ यू आर ओनली 10th+, अगर आपने 10th पास किया है, उसके बाद कुछ भी किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, PhD किया हो, कुछ भी किया हो, अगर आपने 10th पास किया है तो आप ग्रुप डी में 3 पोस्ट के लिए, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म होगा, 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और फीस भी 250 होने से पूरा रिफंड आ जाएगा एग्जाम देने के बाद, और 500 होने से 400 आ जाएगा. तो सबको बता दो कि फॉर्म ज़रूर भरना है. थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय.